विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा से ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी विपिन सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में कमरा नंबर 23 में नामांकन किया, जिसके संबंध में ग्रामीण विधानसभा के प्रत्याशी विपिन सिंह ने बताया कि योगी की सरकार ने विकास किया है, उसी मुद्दे को लेकर कार्य करूंगा। जल जमाव निजात के लिए सीवर सिस्टम लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि योगी सरकार में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी मिली है और तमाम रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। खाद कारखाना एम्स ऐसी जगह पर हजारों युवा रोजगार करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विपिन सिंह ने कहा, आप बीच में आइए, कट जाएंगे। अच्छा, चलिए। बाबू देखना है। तो ये भी सही है, पूरा पैसा ये हमारे लिए पूरा सही है। आपको ये और आ गया जी, और आ गया। हां हां, ये है कोई देखिए, हमने विकास किया है, योगी जी की सरकार ने विकास किया है, वही हमारा मुद्दा है कि जो बचा खुचा कार्य है उसको पूरा करा देंगे। लेकिन हमारा तो मैक्सिमम काम बड़े बड़े सब पूरे हो गए हैं, थोड़ा बहुत काम है। सीवर सिस्टम हमारा कुछ एरिया में नहीं है, उसको हम लोग करा देंगे, तो ताकि जल जमाव से जो है निजात मिल सके। कुछ आपके हवड़ बंधे पर हमारे पंप पुराने हो चुके हैं, जिससे बरसात के समय पानी डिस्चार्ज होने में दिक्कत होती है। उन पंपों को बदलवा करके नया पंप उनकी क्षमता बढ़वा करके लगवा देंगे, तो पानी बरसात का बाहर निकल जाएगा, तो बरसात में भी हमारे क्षेत्र के लोगों को दिक्कत नहीं होगी। मेन यही मेरा मुद्दा है। युवाओं को क्या समझ, युवाओं को योगी सरकार में तो आप बताइए कहीं कोई घूस है नहीं, नौकरी मिली है, 4.5 लाख प्लस लोगों को नौकरी मिली है। लोग नौकरी की बात करते हैं लेकिन इतना किसी ने नौकरी नहीं दिया। पूरी पारदर्शिता बरती गई है योगी राज में, कहीं कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो कह दे 5 रुपया कहीं घूस दिया होगा। और तमाम हमारे रोजगार भी बढ़ रहे हैं, जिससे सबको रोजगार भी मिल रहा है। ये उदाहरण के तौर पर गोरखपुर का खाद कारखाना बगल में एम्स बन रहा है, ऐसी जगहों पर हजारों हजार लोग किसी न किसी रूप में रोजगार करेंगे। तो योगी जी के समय में काम चल रहा है, अभी कोरोना था लेकिन फिर भी देखिए योगी जी जितना मेहनत किए, इतनी इंडस्ट्रियाँ लगी। अब कोरोना सामान्य स्थिति हो जा रही है, उसके बाद गोरखपुर में भी जितनी इंडस्ट्री लगेंगी, इसके बारे में गोरखपुर के कभी कल्पना नहीं किए होंगे।